सब कुछ बदल गया मेरा, चल चल ही जागी नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ललित चौहान 2.0 में। तो दोस्तों, आज हम अपनी गाड़ी की डिलीवरी लेने के लिए जा रहे हैं। तो अगर आज हमारा सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो आज ही हमें गाड़ी की डिलीवरी मिल जाएगी। तो दोस्तों, अभी बजा है 9, तो अभी यहां से हम निकलेंगे बैंक जाकर RTGS कराएंगे। तो दोस्तों, काफी ज्यादा अमाउंट है इसलिए RTGS ही कराएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, और जो बाकी का कैश बचेगा उसको हम कैश जमा कर देंगे। तो दोस्तों, अभी बैंक जाएंगे, बैंक से होकर फिर होंडाई के शोरूम पहुंचेंगे। उसके बाद वहां पर क्या प्रक्रिया होती है, सारी प्रक्रिया कंप्लीट करने के बाद जो पेपर वर्किंग का काम जो भी है सारा खत्म होने के बाद, दोस्तों हमें अगर सारा टाइम से पहले ही सारा काम खत्म हो जाता है पेपर वर्किंग का, तो आज ही डिलीवरी मिल सकती है, और अगर नहीं होगा तो कल हमारी गाड़ी की डिलीवरी जरूर हो जाएगी। तो दोस्तों, ब्लॉग में बने रहिए। सो फाइनली गाइज, हम लोग आ चुके हैं होंडाई के शोरूम, और यहाँ पर दोस्तों देखिए सारे लोग नाश्ता कर रहे हैं, जीजा, पुरुषोत्तम और प्रियंका। ये देखिए, ये नमकीन, बिस्कुट, चाय, पानी, तो सब यहाँ पर लगा हुआ है। और यहाँ पर प्रियंका बाहर आ चुकी है क्योंकि अंदर काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो दोस्तों, ये हमारी गाड़ी है यहाँ पर, और अभी इसको धुला जाएगा, उसके बाद हमें सजाया जाएगा, उसके बाद डिलीवर होगी। तो गाइस, यहाँ पर काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। दोस्तों, बाहर से कुछ इस तरीके का नज़ारा है, ये होंडाई का शोरूम है। तो यहाँ पर देखिए, इधर धूप में हम लोग निकले हुए हैं। तो ये देखिए, ये इस तरीके का होंडाई का शोरूम है, और ये दोस्तों है आलापुर में, बाराबंकी में, GSB मोटर कंट्रैक्शन लिमिटेड। यहाँ पर दोस्तों हमारी गाड़ी धुली जा रही है, ये देखिए। तो दोस्तों, यहाँ पर धुलने के बाद यहाँ पर ये देखिए, इसमें एसेसरीज लगाया जा रहा है। तो फाइनली गाइज, हमने सारा पेमेंट कर दिया था RTGS, और जो पेमेंट बचा है वो यहाँ पर हम कैश जमा करेंगे। तो यहाँ पर हमें जितना पेमेंट देना है उसके बारे में बातचीत हो रही है। और दोस्तों, जब से हमने गाड़ी बुक किया है तब से आज तक दोस्तों तौफीक सर ने हमारी इतनी ज़्यादा हेल्प करी है, जो भी काम होता है सब बहुत अच्छे से कराते हैं। तो दोस्तों, इतनी हेल्प तो भाई किसी की नहीं होती है जितना तौफीक सर ने हमारी हेल्प करी है। तो तौफीक सर को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा, जो हमारी गाड़ी को डिलीवर कराने में हमारी इतनी ज़्यादा हेल्प करी है।
पर दोस्तों हम जा रहे हैं अपना कैश जितना भी कैश बचा हुआ है काउंटर पे जमा कर रहे हैं। तो चल के हम अपना कैश जमा करते हैं और और तीन चार लोग हम लोग जा रहे हैं कैश जमा करने। तो इधर अंदर ऑफिस है जहाँ पर कैश काउंटर कैश पेमेंट जमा होता है। इधर वीडियो बना रहे हैं कैश हमारा जमा हो चुका है। इधर हम आ चुके हैं बाहर और यहाँ पर सारे लोग सेल्फी ले रहे हैं और यहाँ पर दीदी और ये देखिए ये हमारी गाड़ी है दोस्तों। तो यहाँ पर सभी लोग सेल्फी ले रहे हैं। तो ये देखो यहाँ पर दोस्तों शगुन काफी ज्यादा भूखी हो गई थी। तो ये देखिए क्या खा रही है सगुन। ये देखो शगुन का ले आए लैया नमकीन खा रही है। बहुत इसको ज्यादा भूख लग गई थी। शगुन कार कहाँ है? ये देखो दोस्तों शगुन बताएं शगुन। तो यहाँ पर दोस्तों अभी काफी ज्यादा टाइम लग रहा है इसलिए हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों सारे लोग बैठे हुए हैं। इधर देखिए पुरुषोत्तम पिक्चर चला गया सुमित वीडियो शूट कर रहा है। इधर जीजा बैठे हुए हैं दीदी शगुन प्रियंका और इधर मामी भाभी। इधर ये देखिए मामा उत्तम भैया पुरुषोत्तम। तो भाई बहुत सारे लोग हैं दोस्तों। सबसे ज़्यादा लोग हम ही लोग गए थे गाड़ी को डिलीवर कराने के लिए। तो भाई 20 लोग हम हैं जो गाड़ी डिलीवर कराने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और इतना भीड़ भाई किसी की गाड़ी में नहीं हुई जितना भाई मेरी में हुई है। क्योंकि दोस्तों काफ़ी लोग आते हैं 5-6-7 लोग आते हैं डिलीवर कराने के लिए लेकिन हम काफ़ी ज़्यादा लोग आ चुके हैं यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर दोस्तों हमारा पेपर वर्किंग का काम चल रहा है। तो यहाँ पर मैडम हमको समझा रही हैं कि क्या क्या करना है और सिग्नेचर वगैरह करना है। तो सारे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक भाई हैं जिन्होंने आई20 को खरीदा है। तो यहाँ पर दोस्तों इनकी गाड़ी का वेलकम हो चुका है। अब दोस्तों ये भाई जब हम ये गाड़ी हटाएंगे तब हमारी गाड़ी यहाँ पर लगाई जाएगी तब हमारा वहाँ पर वेलकम होगा। तो ये भाई हमसे कह रहे थे कि हमारी भी क्लिप अपने चैनल पर अपलोड कर देना। तो भाई इनका भी हमने डाल दिया है वीडियो। तो इधर अब हमारी गाड़ी को लगाया जाएगा। ये देखिए दोस्तों हमारी गाड़ी यहाँ पर लग चुकी है। तो यहाँ पर अब फाइनल हम लोगों का वेलकम होगा। यहाँ पर दोस्तों हम काफ़ी सारे लोग हैं और तौफीक सर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं और दोस्तों हमारी हेल्प भी कर रहे हैं। अंधेरा लग रहा है भाई देखते हैं जल्दी से इधर बेचना देखो क्या कर रही है। और इधर खींचा शगुन भी है मेरे साथ उनका सब लोग हैं।
तो ये देखिए दोस्तों, हमारी गाड़ी का वेलकम हो चुका है। तो गाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और ये मेरा सपना था, मेरा ही सपना नहीं था दोस्तों, ये मेरे पूरे परिवार का सपना था कि हमारे पास भी कार हो और हम लोग भी अपनी गाड़ी में बैठ कर जाएँ। तो दोस्तों आज ये हमारा सपना पूरा हो चुका है, और दोस्तों हमारा सपना तभी पूरा हुआ है, ये हम अगर हमारी ये फैमिली हमें सपोर्ट ना करती तो शायद मैं ये कभी नहीं कर पाता। लेकिन दोस्तों सबका साथ रहा और सबकी मेहनत से दोस्तों आज हम ये काम कर पाए हैं, और सभी को ये इतना ज़्यादा खुशी हो रही है दोस्तों कि कह नहीं सकते। और दोस्तों अंदर से रोना भी आ रहा है कि दोस्तों काश अगर मम्मी पापा होते तो भाई क्या ही भाई कुछ अलग ही खुशी थी, लेकिन दोस्तों भगवान को ये सब मंजूर नहीं था। तो भाई एक ही महीने पहले भाई पापा को भी छीन लिया हमसे, और पापा का भी सपना था कि मेरे घर में गाड़ी होगी 1 से 2 महीने के अंदर, और मतलब इतनी ज़्यादा खुशी थी दोस्तों कि हम लोग जाहिर नहीं कर सकते आप लोगों से। तो पूरी थी और पूरी आगे तो दोस्तों हुई, लेकिन मतलब जिसके सामने ये सब करना चाहते थे वो नहीं कर पाए दोस्तों। इतना बहुत दुख होता है अंदर से, मतलब खुशी तो बाहर से दिख रही लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा दुख भी हो रहा है कि भाई किए लेकिन मम्मी पापा के सामने नहीं कर पाए, अगर वो भी होते तो कुछ अलग ही मज़ा होता और अलग ही खुशी होती चेहरे पर। तो दोस्तों सब कुछ है लेकिन वो खुशी नहीं हम लोगों के मतलब मेरे चेहरे पे आ रही जो होनी चाहिए। तो खुशी भी है और दोस्तों दुख भी है कि पापा होते तो क्या ही होता। तो ये देखिए तौफीक सर इधर वेलकम करा रहे हैं, और इधर ये जो मैडम है इनका भी नाम प्रियंका है, तो मैडम जी ने भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है। तो देखिए दोस्तों हमारी गाड़ी का ये कॉन्ग्रेचुलेसन यहाँ पर वेलकम हो रहा है। और दोस्तों ये सब अचीवमेंट मैं हासिल कर पाया हूँ तो सिर्फ आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से कर पाया हूँ, कि आप लोगों ने हमें इतना ज़्यादा सपोर्ट किया कि मैं इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल कर पाया। और भाई अगर आप लोग ना होते तो शायद ये सब मैं कभी नहीं कर पाता, तो आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू।